अरे वो क्या बोलते हैं उनके बारे में कोई प्रतिक्रिया दे रहा है, उनको पार्टी जीते नहीं दिया, बेचारा कोशिश कर रहे हैं, बेचारे को कुछ मिल जाए फिर दिल्ली से तो अच्छा है। एक ही बार एग्जाम होगा, वो कल ही हमको मालूम हुआ, तत्काल हमने सबको कहा, आज मीटिंग किया, कहा एक ही दिन। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं, मेरा नाम उत्कर्ष है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सुशील मोदी को जमकर लतारा है। देखिए, अपने बयान में साफ उन्होंने कह दिया है कि वो हमें क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, उनको कौन नोटिस लेता है, अच्छा है वो कुछ बयान दे ताकि केंद्र में उनको कोई जगह मिल जाए। देखिए, ये बयान उस समय आया है जब बीते दिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर बिहार दौरे पर थे और इस दौरे को लेकर सुशील मोदी ने साफ कह दिया था कि बिहार में एक कॉमेडी शो होगा, जिसको लेकर जब आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये सवाल पूछा गया कि क्या इस बयान को लेकर आप क्या कहते हैं, तो उस पर भी उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसे लोगों को मैं नोटिस नहीं लेता, ये लोग अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो केंद्र में उनको कोई जगह नहीं मिलेगी। जब उनसे पूछा गया कि बिहार सरकार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, उनका जो बेल है उसको खारिज कर दिया गया है, तो उस पर उन्होंने साफ कहा कि कल ही उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया था, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है। वैसे ही जब बीपीएससी को लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि एक ही दिन परीक्षा होगी। मुख्यमंत्री जी, सर सर सर, कल केसीआर आए, सहायता बिहार के लोगों को किया, सुशील मोदी कह रहे हैं कि कॉमेडी हो रही है सर, तो। अरे वो क्या बोलते हैं उनके बारे में कोई प्रतिक्रिया दे रहा है सर? विपक्षी एकता पे सर, विपक्षी एकता पे भी सर सवाल उठ रहा है सर, सर विपक्षी एकता पे सर सवाल उठ रहा है। उनको पार्टी जीते नहीं दिया, बेचारा कोशिश कर रहे हैं बस कुछ बोल करके चली ठीक सर। कार्तिकेय को उसको कोई कमेंट उनके किसी भी चीज पर नहीं सर, कार्तिकेय कुमार को सर, अरे बेचारे को कुछ मिल जाए फिर दिल्ली से तो अच्छा है सर। कार्तिकेय कुमार को सर बेल रिजेक्ट हो गया सर, मंत्री थे सर। अरे रिजिग्नेशन हो ही गया है, आप जान ही रहे ना, कल ही ना हो गया क्या था सब सर? बीपीएससी के छात्रों को आपने राहत दिया सर, सर एक बड़ा फैसला हुआ सर, बोलेंगे बोलेंगे सर, बोलेंगे प्लीज सर, बीपीएससी के छात्रों को सर एक एक जगह चुनाव एक ही बार होगा, एक ही बार एग्जाम होगा, वो कल ही हमको मालूम हुआ, तत्काल हमने सबको कहा, आज मीटिंग किया, कहा एक ही दिन चुनाव, दो बार नहीं होगा, एक दिन। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो बिहार में आज रहा वो कार्तिकेय सिंह को लेकर रहा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि हमने इस्तीफा मंजूर कर लिया था। वहीं सुशील मोदी पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। पहले उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि आपको तो पता ही है कि क्या हुआ है बिहार में, दूसरी तरफ उनका साफ बयान आया है कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सुशील मोदी को नोटिस कौन लेता है, उनकी बातों को कोई नोटिस नहीं लेता। क्योंकि जिस तरीके से सुशील मोदी का कल बयान आया कि बिहार में कॉमेडी शो होगा, दो मुख्यमंत्री एक जगह मिलेंगे और विपक्षी एकता की बात होगी, तो बिहार में एक कॉमेडी शो होगा, जिसको लेकर नीतीश कुमार पर तंज कस रहे थे। हालांकि सुशील मोदी को यह तंज महंगा पड़ गया, अब नीतीश कुमार ने पलटवार कर दिया और कह दिया कि ऐसे लोगों को नोटिस कौन लेता है, बिहार से दूर कर ही दिया गया है, अगर हमारे बारे में कुछ नहीं बोलेंगे तो केंद्र उनको कहां से नोटिस लेगा, अच्छा है हमारे बारे में कुछ बोले ताकि केंद्र उन्हें नोटिस ले। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें लाइव सिटीज। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले, धन्यवाद।